ओके, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोलो क्या करना है। प्लेन को साउथ वेस्ट ले चलो। होशियारी की तो इस प्लेन में जितने भी लोग हैं कोई नहीं बचेगा। अरे चपटा जल्दी लाओ ना। आया भाई जी, ये लीजिए। हाँ, और सुनो। हाँ, ये लो 10,000। 10,000 ये किस लिए भाई जी? जाओ सब लोग खाओ पियो ऐश करो। और सुनो। हाँ? ध्यान रहे शराब कोई ना पिए। जी भाई। भाई जी। अरे सरगम, अरे सरगम, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आज हम सेलिब्रेशन के मूड में। लेकिन भाई जी, आपने तो कसम खाई थी कभी ना पीने की। हाँ वो तो वो भी बताते हैं अभी। ए, क्या सुनो चैप्टर। जी भाई जी। सरगम को भी पिलाओ। बोलो बेटी, क्या पियोगी, ठंडा या गरम? ठंडा या गरम? क्या? दूध। दूध? हाँ। इसका मतलब है आप इस बोतल में दूध पी रहे थे? तुम्हें पियो ना, बीनू के लंदन जाने की खुशी में। और उसके जाने के गम में भी। भाई जी, हम तो थोड़ा खुश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीनू के बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा है। कैसे जिएंगे उसके बिना, कैसे जिएंगे? भाई जी, अगर आप ये सब टूट जाएंगे तो मुझे कौन हिम्मत देगा? वो भी एक या दो दिन नहीं, पूरे 6 महीने। हाँ भाई जी, पूरे 6 महीने। आपने बुलाया सर? मैंने? हाँ, अभी अभी एयर होस्टेस मुझे कह के गई कि आप मुझे याद कर रहे थे। एयर? थैंक यू सर। क्यों बुलाया था मैंने? क्या कहते हैं वो, हाई कोर्ट में अगली हियरिंग कब है? 15 दिन बाद सर। तो आप लंदन क्यों जा रहे हैं? अरे सर,
आप ही ने तो इस फ्लाइट की इनवाइटीज की लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड करवाया था। क्यों? क्योंकि कोर्ट की अगली हियरिंग में मुझे इंडिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलने वाली थी। इंडिया से बाहर निकालने का आपने जो एहसान मुझ पर किया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। अच्छा 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 अच्छा, ये एहसान हम आप पे किए हैं और क्या सर? चलिए, वो इलेक्शन में जो 2 करोड़ रुपया दिए थे ना आप, उसका हिसाब बराबर। वो 2 करोड़ रुपए आपको अभी भी याद? अरे सर, उन्हें तो मैं कब का भूल चुका हूँ। क्या है कि हमारी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ, सही कहा सर। जाइए, ऐश कीजिए। आप भी लेंगे सर थोड़ी सी? क्या है कि लीडरों की ट्रेजेडी यही है कि कोई भी अच्छा काम पब्लिकली कर नहीं पाते। समझता हूँ। जाइए। सुनिए। यस सर। आप कुछ परेशान से लग रही हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? नो सर, थैंक यू। सच्चे पाशा मेर करे। चल पुत्र चल। आज देख, चंगा होके वापस आना है, समझिया ना? तेरी मां तेरी राह देख रही है। प्रीत करे, ये सितार हरजीत सिंह का वादा है, तेरे पुत्र नु भला चंगा करा के ही वापस लाऊंगा। चल पुत्र चल। आज चंगा मां। मम्मी की याद आ रही है। आपकी मर्जी के खिलाफ तो पत्ता तक नहीं हिलता। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि वो आदमी प्लेन में ऐसी कोई भी चीज ना ले जा रहा हो जिससे किसी का नुकसान हो। क्या बात है बेटे? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं बेटे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो अपने आप से नाराज हूं।
क्या हुआ सर? फ्लाइट AP-106 ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। What? मैसेज फ्लैश करो, क्विक। हेलो हेलो हेलो, द प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? AP-106 हैज बीन हाईजैक्ड। सी, इस रूट की वेदर कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब इस तरफ प्लेन ले जाने में खतरा है। हेलो हेलो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो वरना यही ढेर कर दूंगा। कीप ऑन फ्लाइंग। तुमको देख लेना उस तरफ। हेलो AP-106, हेलो। हेलो कैप्टन। अब क्या हो गया सर? ऐसे लगा जैसे प्लेन में कोई गोली चली हो और उसके बाद प्लेन से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया। हो सकता है गोली INS कम्युनिकेशन चैनल पर लगी हो। ओह यस, यू आर राइट। शेरखान, 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 शेरखान। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और आप सबसे माफी चाहता हूं। यकीन मानिए, हम ये सब नहीं चाहते थे। हमें तो ये मजबूरन करना पड़ा। हम तो आपको और खास तौर से आपके मिनिस्टर साहब को कुछ देर के लिए अपना मेहमान बनाना चाहते थे ताकि हम अपने चंद साथियों को इंडिया की जेलों से रिहा करवा सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी गवर्नमेंट आपकी और आपके मिनिस्टर साहब की जिंदगियों की कीमत जानती होगी। हम आपकी गवर्नमेंट से आपकी कीमती जिंदगियों की छोटी सी कीमत मांगेंगे। खवातीनों हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ कॉपरेट करें, चुपचाप बैठे रहें और अपने सर नीचे झुका लें। मैं फिर से इल्तिजा करता हूं कि आप अपने सर नीचे झुका लें। हम लोगों की तरफ या एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश ना करें। Почему вы убиваете людей? Что вы хотите? Please. सर नीचे। हेलो हेलो कैप्टन, हेलो हेलो AP-106, हेलो। नो रिस्पॉन्स। कान खोल के सुन ले कैप्टन, अगर ये जहाज वहां नहीं पहुंचा जहां हम चाहते हैं तो फिर ये कहीं नहीं पहुंचा। जा। वीपी साहब, आप तो मिनिस्टर हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मुझे पूछिए वो चाहते क्या हैं? अरे आप यहां क्या कर रहे हैं?
सुना नहीं क्या कहा उसने? सर झुका के बैठिए। ये ना भाई सर पे आप बोले हैं सांस रखने को। क्या किस समझ में नहीं आती आप लोगों को? यही कह रहे थे इसको ना कि आप बैठो। मतलब मैंने ओपनी उड़ा देंगे। सर नीचे, सर नीचे। मेरा नाम राकेश नहीं, इद्रीस है, इद्रीस खान। देखिए हम दोनों की 3 दिन पहले शादी हुई, मेरे हाथों की मेहंदी लगी। अपने ये मेहंदी लगे हाथ अपनी गवर्नमेंट को दिखा, जिसने न जाने हमारी कितनी मासूम बहनों के मेहंदी लगे हाथों को लहूलुहान कर दिया। आप लोग ऐसे एक इनोसेंट आदमी को कैसे मरते हुए देख सकते हैं? अरे कोई कुछ तो करो। मंजीत पुत्र जिंदगी कितनी कीमती चीज होती है, यहां तक कि तेरे जैसे कुत्ते की भी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।